नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। रोजाना की तरह हाजिर हूं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर। दर्शकों बता दें, राशिफल का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 27 जून गुरुवार का शुभ दिन है और आज के दिन भगवान विष्णु की कृपा से ग्रह कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राशियों पर विष्णु जी अपनी कृपा को बरसा सकते हैं, जिससे इनके सभी कष्टों का नाश होगा और आज के दिन इनको प्यार भी मिल सकता है। साथ ही जीवन में तरक्की सफलता के योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा, तो जानने के लिए देखें हमारा ये राशिफल। चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों का हाल। आप बिजनेस और नौकरी में काम समय से निपटाने की कोशिश करेंगे। रूटीन लाइफ में बदलाव होने के योग बने हुए हैं। कई लोगों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है। कुछ नए दोस्त भी आपको मिल सकते हैं। पुराने प्रेमी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आज सामाजिक समारोह में मान सम्मान और कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है। चलिए जानते हैं वृष राशि का हाल। कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। आपकी इच्छाएं और जरूरतें बढ़ सकती है। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। सोचे हुए काम पूरे करने की कोशिश करेंगे, इसमें आप सफल भी रहेंगे। दिन अच्छा है। भविष्य में फायदा देने वाले निवेश के बारे में योजना बन सकती है। ऑफिस में बकाया काम निपटाने पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का हाल। आज मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ है। आपके जरूरी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो पद और प्रतिष्ठा में आपसे बड़े हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। अविवाहित लोगों को विवाह के ऑफर भी मिल सकते हैं। कोई प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। परेशानी वाले मामले आज निपटने की संभावना है। आज आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जिम्मेदारियां निभाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके व्यक्तित्व में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। किसी खास मामले में किस्मत का साथ आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर दिन अच्छा साबित हो सकता है। करियर के नए रास्ते सामने आ सकते हैं। कामकाज में मन लगेगा। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो तरक्की में जुड़ेगा। आपका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो आने वाले दिनों में आपके करियर के लिए खास साबित हो सकते हैं। जोश के साथ होश में काम करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा। आपके अच्छे व्यवहार की तारीफ भी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल। आज आप नौकरी या कारोबार में कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी खास विषय पर आप प्लानिंग बनाए। दोस्तों और घर वालों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। भाइयों से लंबी बातचीत होने की संभावना है। अपना नजरिया सकारात्मक रखेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का हाल। आज आप बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। धैर्य से काम ले। आप कोई भी बड़ा फैसला पार्टनर की सहमति से ही ले। हर तरह की कठिन परिस्थिति में आपको सकारात्मक रहना होगा। प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को भूलकर आपको आगे बढ़ना होगा। पुराने वादे जरूर पूरे करें। सितारों की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली में अच्छे बदलाव होने की पूरी संभावना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का हाल। आज कोई पार्ट टाइम काम मिलने के योग बन रहे हैं।
रोजमर्रा के कामों में थोड़ी मेहनत और बढ़ाएंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में लोगों से खास बातचीत हो सकती है। सोचे हुए काम निपटाने में लगे रहेंगे। नजदीकी संबंधों में मजबूती बढ़ सकती है। मन की बात कहने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल। आज आपको आर्थिक फायदा हो सकता है। सोचे हुए काम और आपकी बनाई हुई योजनाएं पूरी हो सकती हैं। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निपटाने की कोशिश करेंगे। सोचे हुए काम निपटाने की कोशिश करें। सहयोगपूर्ण रवैया रखेंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। परिवार के सहयोग मिल सकता है आपको। उन्नति में आने वाली ज्यादातर रुकावटें खत्म होती हुई दिख रही हैं। अब जानते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका काम तेज होगा। आप अपने साथ वाले या आसपास के लोगों की मदद का मन बना सकते हैं। बातचीत या व्यवहार में आप किसी तरह का बदलाव भी ला सकते हैं। अपनी अलग इमेज बनाने में आपको सफलता मिल सकती है। रोमांस के लिए समय अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए आपको छोटे मोटे मौके मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आपके काम काज की रुकावटें खत्म हो सकती है। आज किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज आज आपको मिल सकते हैं। जरूरी काम पूरे होने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। बिजनेस के काम से कोई यात्रा भी हो सकती है। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। आज कुछ नई बातें भी आपको पता चल सकती हैं। आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है और आपकी मदद भी कर सकता है। धैर्य बना के रखें। दोस्तों या भाइयों की मदद से भी आज कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। गोचर कुंडली के अनुसार चंद्रमा का असर आपके मुख पर होगा। इसके साथ धन संबंधी मामलों में भी आपके लिए दिन अच्छा है। आज कारोबार बढ़ाने के नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। आप मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से कामकाज में मदद मिल सकती है। चंद्रमा के कारण आपकी सेविंग भी बढ़ सकती है। आपको नई जानकारियां मिल सकती है। किसी से महत्वपूर्ण मामले पर बात करने के लिए आज का दिन सबसे बेस्ट है। अब जानते हैं अंत में मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी है। नौकरी और बिजनेस में नए काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर ही हासिल होगी। सितारों की मदद से ज्यादातर योजनाएं पूरी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और उनसे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। मनचाहे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने की संभावना है। खुद को इम्प्रूव करने में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। परिवार के साथ आज आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है।